अनंत चौदस के मौके पर देश भर में गणेश विसर्जन हुआ। मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर विसर्जन हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कोरोना काल का 2 साल बाद झांकियां सजाई गईं। शहर में 2 साल के लंबे इंतजार के बाद चतुर्दशी के मौके पर प्रसिद्ध झांकियां निकाली गईं, जिन्हें देखने के लिए शहर भर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नगर सहित क्षेत्र में कई स्थानों पर अनंत चतुर्दशी पर झांकियां निकाली जाती हैं, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ग्रामीणों में उत्साह देखा गया, वहीं नगर क्षेत्र के ग्राम लाड़कुई में करीब आधा दर्जन स्थानों पर श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। तो वहीं गणेश उत्सव समिति द्वारा झांकियां तैयार कर ग्राम के दुर्गा मंदिर चौराहे से प्रारंभ होकर ग्राम के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः दुर्गा मंदिर चौराहा पहुंची। वहीं झांकियों में नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं द्वारा धार्मिक भजनों पर शानदार प्रस्तुति दी। इसके उपरांत ग्राम सरपंच व उप सरपंच प्रतिनिधि द्वारा उत्सव समिति के साथ बालक बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। नन्हे मुन्ने छोटे कलाकार को सब्जी भंडार की तरफ से भेंट दिए जाते हैं। राजवीर करोपे की तरफ से 10 रुपए दिए जाते हैं।